आज यानी वीरवार को 7 वर्षों की मेहनत रंग लाई और जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यानी वीरवार को लगभग 213 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड में तैयार हुए इस बहुमंजिला पार्किंग का शुभारंभ करते हुए उम्मीद जताई कि इससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि जम्मू शहर को खूबसूरत और बेहतरीन दिखाने के लिए सरकार और प्रशासन के प्रयासों से काम नहीं चलेगा, जनता भी आगे आए और सहयोग करे। बता दें कि इस बहुमंजिला पार्किंग के उद्घाटन के बाद एक दो दिन में JDA इसे वाहनों के लिए खोल देगा। फिलहाल पहली 3 मंजिलों को खोला जा रहा है, ऊपरी मंजिलों पर व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने में अभी समय लगेगा। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 2021 में जो परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई थी उसे धीरज गुप्ता जी ने आज पूरा कर दिया है। मैं सोच रहा था और मुझे जो बताया गया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में ही मुख्य रूप से काम हुआ है। अगर सामान्य रूप से आप जम्मू कश्मीर के बजट को देखें तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पिछले साल देश की संसद ने पारित किया था। इस साल थोड़ा बढ़ गया है, उसके पहले 90,000 करोड़ रुपए था। जब दूसरे राज्यों को हम देखते हैं और उनसे तुलना करते हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को आसानी से मुझे लगता है कि जेहन में ले आएंगे। मैं बिहार का बजट देख रहा था, 2 लाख करोड़ रुपए, आबादी 12 करोड़, और ये कोई 2-3 साल में नहीं हुआ है। ये आज़ादी के बाद से ही अगर बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर के बजट को देखेंगे तो 5 गुना 6 गुना बजट यहाँ मिलता रहा है। अगर सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लाइज को हम देखें तो बिहार में 3.5 लाख, जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख। अगर दूसरी तरफ निगाह ले जाते हैं तो रोज धरना कि हम 3,000 पर हैं, कई साल से हैं, लिख के दिया गया कि 7 साल बाद स्थायी कर दिए जाएंगे। हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि देश के बाकी राज्य जिस तरह से गुड गवर्नेंस के आधार पर चलते हैं उस आधार पर जम्मू कश्मीर को भी चलना चाहिए। सामान्य रूप से आप देखें देश के दूसरे राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की अगर बात करूं तो ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह विकसित राज्य नहीं थे, ये भी पिछड़े हुए राज्य थे। लेकिन मैं भी गाँव से आता हूँ, अब वहाँ गाँव को सड़क से जोड़ना ये समस्या नहीं रह गई। पिछले 6 वर्षों में, खासतौर से 2000 में जब श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, तो मोटे तौर पर पहला जो मानक था 1000 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 500 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 250 की आबादी के ऊपर के गांव, ये गांव सड़क से जुड़ गए। सामान्य रूप से यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही, यहाँ आने के बाद योजना बनानी पड़ी है कि कैसे यहाँ के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए,
मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा मीडिया के भी साथी हैं, रोज अच्छी अच्छी खबरें भी लिखते हैं और प्रबुद्ध लोग भी हैं जम्मू नगर के, इनको विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम नागरिक आवश्यकताएं, बजट इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम प्राप्त नहीं कर सके, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसकी कार्य योजना हम सबने बनाई है और खुलेआम खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में अब कोई गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगी, बिजली भी 24/7 क्वालिटी पावर मिले, इसकी योजना हम सबने बनाई है।